साल 2015 में एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ वी सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया है। आखिर क्यों वहाँ ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और ना ही जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो फोटोग्राफ सामने आए उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच घटना है। आखिर क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यूं तो हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं, लेकिन बात अगर दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत की जाए तो ऐसे में कैलाश पर्वत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये पर्वत इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं हुआ है। तिब्बत में मौजूद इस पर्वत को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों की कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी समाधि लगाई थी और आज भी वो अपने परिवार के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। इस विशाल पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट के आसपास है और इसके पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में मान सरोवर और राक्षस ताल नाम की दो मशहूर झीलें मौजूद हैं। साथ ही इस पर्वत से दुनिया की कई मशहूर नदियां भी निकलती हैं। अब ऊंचाई के हिसाब से अगर देखें तो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है, जो कि कैलाश पर्वत से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन कैलाश पर्वत की खूबियां उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उससे जुड़े रहस्यों से पता चलती है। इस पर्वत को यदि दूर से देखा जाए तो ये बर्फ से ढके हुए एक विशाल शिवलिंग जैसा नजर आता है और इस पवित्र पर्वत को देखने का मौका केवल उन्हीं खुशनसीबों को मिलता है जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान लोगों को तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है जहाँ ये भव्य पर्वत नजर आता है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक 5,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। बताया जाता है कि अगर कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। दुनिया के बहुत से लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आ पाया। कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत पर आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था, और जो लोग लौटकर वापस आ गए उन्होंने इस पर्वत पर ना चढ़ पाने के अलग अलग कई कारण बताए। इसके अलावा इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। लोग कहते हैं कि कोई भी जीवित इंसान इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुँच सकता। एक और चीज जो इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाती है वो ये कि यहाँ पर समय काफी तेजी से गुजरता है। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ जाने वाले बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं। वो बताते हैं कि हमारे बाल और नाखून जितनी तेजी से 2 हफ्तों में बढ़ते हैं उतनी तेजी से कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों में ही बढ़ गए। लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द समय कुछ अजीब ढंग से चलता है। इसके अलावा यहाँ जाने वाले लोग अक्सर इस पर्वत के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें भी करते हैं। कुछ क्लाइंबर्स का दावा है कि इस पर्वत पर चढ़ना तो दूर की बात है, इस पर कुछ पल के लिए ठहरना भी असंभव है। उन्होंने बताया कि इस पर्वत पर जाते ही दिमाग में भ्रम पैदा होने लगता है। इस पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स का कहना है कि ये पर्वत अपनी जगह बदलता रहता है, कभी ये दाएं नजर आता है तो कभी बाएं, जिससे दिशा भ्रम हो जाता है। इसकी वजह से इंसानों को दिशा का अंदाजा नहीं रहता। इतना ही नहीं, इस पहाड़ पर मैग्नेटिक कंपास भी ठीक से काम नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब किसी आम इंसान तो क्या वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कुछ साल पहले रूस के मशहूर क्लाइंबर सर्गे क्रिस्टावो ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की ठानी।
हालांकि वो पर्वत के नजदीक तो गए लेकिन उस पर चढ़ाई किए बिना ही वापस लौट आए। बाद में जब उनसे ऐसा करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने लोगों को चौंकाने वाली बातें बताई। सर्गे ने कहा कि जब मैं कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचा तो अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के ठीक सामने खड़ा था जिस पर मुझे चढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया। मेरे दिमाग में खुद ही ख्याल आया कि मुझे उस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए और ये सोचकर मैं वहाँ से तुरंत वापस लौट गया। और जैसे ही मैं उस पर्वत से थोड़ा दूर हुआ, मेरी कंडीशन अपने आप नॉर्मल हो गई। इस तरह की घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आज तक इस पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ने में सफल हुआ था। दरअसल 11वीं शताब्दी में तिब्बत में रहने वाले एक बुद्ध योगी मेला रेपा इस दुनिया के वो पहले और आखिरी इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर पैर रखा था। लेकिन इसके बाद उस बुद्ध व्यक्ति का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता, और कहा जाता है कि इस घटना के बाद कैलाश पर्वत की कंडीशन हमेशा के लिए बदल गई। और आज के समय की बात की जाए तो इस पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत, तिब्बत और नेपाल के साथ दुनिया के कई देश मानते हैं कि ये पर्वत पवित्र है और इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का इस पर्वत पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेदों में भी बताया गया है और आज के बहुत से वैज्ञानिक भी इस पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के ठीक बिल्कुल बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है और हिमालय पर्वत का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। कहते हैं जिस तरह से नाभि हम इंसानों के शरीर का केंद्र होता है, ठीक वैसे ही धरती का केंद्र कैलाश पर्वत है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि धरती का वो बिंदु है जहां आकाश और धरती आकर मिलते हैं। इसी बिंदु पर आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास आसमान में 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश को देखा है और लोग इसको एक विशिष्ट प्रकार की दिव्य रोशनी मानते हैं। इस सब के अलावा एक और चीज है, वो ये कि इसके आसपास हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है। यदि आप मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो पर्वत से आपको एक आवाज सुनाई देगी जो गौर से सुनने पर एक डमरू के बजने और ओम के गूंजने की आवाज लगती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज हवाओं के पहाड़ों से टकराने और बर्फ के पिघलने के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का ये सिर्फ अनुमान है और वो आज तक इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। और ये सब चीजें कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अनोखा और मिस्टीरियस पर्वत बनाती है। जब नासा ने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते होंगे कि भगवान शिव की तस्वीरें किस तरह से कैलाश पर्वत पर नजर आ रही हैं। ये गूगल पर भी मौजूद है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ये साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हम जैसे आधुनिक मनुष्यों का ना तो पवित्र आचरण है और ना ही तपस्या और आध्यात्मिक जीवन शैली है। हमारा मन छल कपट चोरी बेईमानी से भरा है, तो आखिर हम कैसे भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं? जो फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गूगल पर नासा द्वारा तौर पर स्थापित की जा चुकी है, इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।